घर बैठे बैठे हो गए बोर, नो मस्ती नो फन ना कोई शोर। मतलब यू फोन चलाएं, इससे अच्छा तो फंड हो जाए। रोज नई लर्निंग, रोज नई एक्टिविटी, चाहे हो कोई भी सिटी, बच्चा बड़े होशियार विद हिज फंडू यार। डू डू फंडू, डू 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 फंडू, फंडू क्लास, अ हैप्पी लर्निंग स्पेस फॉर किड्स। हेलो किड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल? हेलो एवरीवन, सो नाइस टू सी यू अगेन किड्स। एंड सीरियसली बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ क्लास को जो है हम लोग कितनी फन तरीके से जो हमारी क्लास जो होती है बहुत मज़ा आता है मुझे आप लोगों के साथ मिलना, आप लोगों के साथ क्राफ्ट करना। और अभी जो चल रहा है हमारा क्रिसमस सीजन चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। And here I am your art and craft teacher Sonia and welcome to Fundu class। तो आज हम Christmas special class में क्या special सा बनाने वाले हैं, तो ये आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। But while we will start the class, we will sing a song। It is Christmas song, of course Christmas song, because without any Christmas song, Christmas is not possible, right? So, चूंकि लास्ट टाइम जो है थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे सॉन्ग में, तो आज मैं लिख के लेके आई हूँ सॉन्ग और आप लोगों को मेरे साथ ये सॉन्ग जो है गाना है और बहुत ही अच्छे से गाना है, राइट? तो सॉन्ग गाए हम लोग, कौन कौन स्टार्ट मतलब कौन कौन रेडी है सॉन्ग गाने के लिए? ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि सभी को गाना है क्रिसमस सॉन्ग, तभी तो क्रिसमस का मजा आएगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ साथ गाना, ओके? We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. Good tidings we bring to you. To you and your kin, good tidings at Christmas and a happy new year. Remember the poor and sick and the old, your love for all peoples and a happy new year. Make freedom and peace and mercy your aim, for Christ come at Christmas to set heart aflame. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. तो जैसा आप देख ही रहे हैं, मैंने भी क्रिसमस की जो है टोपी पहनी हुई है, तो आप सभी लोग भी इसी तरह से क्रिसमस कैप पहन के भी हमारा जो है क्रिसमस क्राफ्ट कर सकते हैं। बाकी अभी जो है मैं टोपी को थोड़ा सा खोल देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जो है गर्मी लगने लगी है। सो सबसे फर्स्ट आई विल टाइड अप माय हेयर्स। एंड अभी मैं आप लोगों को आज की क्लास में पहले तो बताऊंगी कि हम लोग जो है आज की क्लास में क्या ऐसा एक्साइटिंग सा बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, और वो ऑर्नामेंट्स बहुत ही सुपर क्यूट है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जस्ट अभी, ज़्यादा वेट भी नहीं कराऊंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे जुड़ते हुए और जुड़े हुए ऑलमोस्ट नज़र आ रहे हैं, तो मुझे पता है क्रिसमस क्लास है, इतनी स्पेशल क्लास है, तो सभी बच्चों को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्रिसमस पे बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं। तो आज की क्लास में कुछ डेकोरेशन से ही रिलेटेड हम लोग जो है सीखने वाले हैं, तो मैं ज्यादा वेट ना कराते हुए आप लोग को दिखा देती हूँ हम कुछ इस तरह के ऑर्नामेंट्स बनाएंगे। ये देखिए, तो देख के ही आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये क्या है। ये है एक स्नोमैन और ये बहुत ही क्यूट है, और इसे बनाया गया है पॉप स्टिक और कुछ कलरिंग पेपर की हेल्प से और कुछ कलर से, और इसे जो है बनाना बहुत ही आसान था। बट आप लोग जो है इसे
बनाएंगे मेरे साथ, लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे यू हैव टू डन। एंड एज यू कैन सी कि ये हम जो है अच्छे से हम लटका सकते हैं, कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, और जो है हमारा जो ट्री है, क्रिसमस ट्री है, उसको भी हम सॉरी तो है जो हमारा जो क्रिसमस ट्री है उस पर भी हम इस तरह से इसको एज अ क्रिसमस ऑर्नामेंट यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड, ये तो एक ही ऑर्नामेंट मैंने आपको बताया, ऐसे हमारे पास एक और ऑर्नामेंट है जो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ कुछ इस जगह पे, तो ये आपने देखा, ये जो है ये हमारे सेंटा जी हैं, जो सेंटा जी सेंटा क्लॉस जो हमें गिफ्ट बांटते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे सॉन्ग्स भी आए हैं सेंटा क्लॉस के ऊपर, लाइक जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल, आगे आप लोगों को पता ही है। तो नाइस, तो ये जो है हमारा सेंटा क्लॉस है, और ये है हमारे स्नोमैन। तो इस तरह के कुछ ऑर्नामेंट्स जो हम लोग हमारे क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर को डेकोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। ओके, तो मैं पहले तो इनको यहाँ से उतार देती हूँ, राइट, क्योंकि टूट सकता है। ओके, तो हम लोग, क्या मैं क्लास को स्टार्ट करूं? तो आप सभी लोग एक्साइटेड हो आज की क्लास में, सभी लोग? तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पेज रखा हुआ है जिससे कि मेरे नीचे का जो सरफेस है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। और चूंकि आज हम बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज बनाने वाले हैं जैसा आप लोगों ने देखा, तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ पॉप स्टिक्स। तो ये मेरे पास बहुत सारी पॉप स्टिक्स हैं, तो आप लोग भी अपने अपने पॉप स्टिक्स निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी 6 पॉप स्टिक्स की, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो हमें यहाँ पे 6 पॉप स्टिक्स की ही जरूरत है, ये थोड़ा सा तिरछा है तो ये ले लेते हैं। ओके, और आपको चाहिए कुछ ऐसे पेपर की जिसके ऊपर हम ये जो पॉप स्टिक्स हैं ये स्टिक करने वाले हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो हम इस तरह से जो है पॉप स्टिक्स को स्टिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 बताया है, तो जो पहला वाला है उसमें समथिंग 6 और 5 स्टिक की ही जरूरत है, और सेकंड वाले में भी समथिंग 5 और 4 स्टिक्स की ही जरूरत है, राइट। तो हमें चाहिए कुछ कलरिंग पेपर्स, हमारे पास हमें चाहिए सीजर एंड थोड़ा सा कॉटन एंड ग्लू, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, कुछ कलर्स चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमें करना ये है कि हमें ये जो स्टिक्स हैं ये हमें स्टिक करना है एक पेज के ऊपर। ओके, तो एक एक करके हम जो है इन स्टिक को इस तरह से यहाँ पर स्टिक करेंगे, वेरी इजीली ये स्टिक हो जाता है और बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी एक पेज ले लीजिए, किसी भी कलर का ले लीजिए, ऐसा रिक्वायर नहीं है कि यही कलर हो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये दिखेगा नहीं, पीछे रहेगा। सो यू नीड जस्ट अ पेपर टू स्टिक दिस। ओके, आफ्टर स्टिक दिस वी विल कट द होल पेपर। ओके, जस्ट कट दिस।
जस्ट इस तरह से देखिए मैंने एक जो है तैयार किया है। जस्ट इसी तरीके से हमें एक और ऐसा ही तैयार करना है बंच। ओके, तो अगेन हम इसी तरह से फोर स्टिक्स को यहां पर चिपकाने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टिक्स मेरे से थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो आप लोग आगे आगे देख देख के इस तरह से करते जाइए। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टिक है ये, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमने दूसरा भी स्टिक कर दिया है और अगेन हम ये जो पेज है इसको इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो फटाफट से आप लोग भी इतना जो है कर लीजिए। हमने पहले एक जगह पे चार स्टिक को स्टिक किया है और ऐसा ही हमने दोबारा प्रोसेस को रिपीट किया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो दो जो है स्टिक्स के बंचेस हैं, कुछ ऐसे हमारे पास बंचेस हैं और अब हम इनको करने वाले हैं डेकोर। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पहली वाले स्टिक को लेंगे। तो पहले तो आप लोग इतना कर लीजिए क्योंकि फिर आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। राइट, तो आगे हमें करने के लिए हम लेंगे रेड कलर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगी थोड़ा रेड कलर और इसके हाफ पोर्शन में मैं इस तरह से रेड करूंगी। तो इसको हमें हाफ, ओके, हाफ कलर करना है इस तरह से। तो हम बनाने वाले हैं क्रिसमस, इसमें सबसे पहले हम बना रहे हैं सेंटा, क्योंकि बिना सेंटा के हमारा क्रिसमस इनकम्प्लीट सा लगता है। राइट, तो मैंने इसको जो है बिल्कुल रेड कलर कर दिया है और अब हम करेंगे ये कि ये जो हमने रेड कलर किया है इसी में हम एक रेड कलर का पेपर लेंगे। तो आप एक छोटा सा पेपर चाहिए हमें, क्योंकि हमें जो है एक छोटा सा पीस चाहिए एक्चुअली रेड कलर का। वो किस लिए, वो अभी आपको पता चल जाएगा किस लिए। तो हमें एक छोटा सा पीस चाहिए रेड कलर का और इस पीस से हम
एक छोटा सा पीस इस तरह से कट करके निकालेंगे और देखिए कुछ इस साइज का, और यहाँ से हम कुछ इस तरह से एक कैप बना लेंगे। ओके, ट्रायंगल शेप हमें एक मेन, हमें ट्रायंगल शेप का एक पीस चाहिए जिसे हमें यहाँ चिपकाना है, क्योंकि ये जो है ये है हमारे सेंटा का कैप। तो आपको जस्ट इधर इस कैप को यहाँ पर स्टिक करना है, राइट देयर, एंड देन हमें चाहिए कॉटन, मिस्टर सेंटा की दाढ़ी बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे हम स्टिक करेंगे थोड़ा ग्लू इस तरह से चारों तरफ। और इस तरह से इसको हम स्टिक करेंगे, तो ऐसे करके आप कॉटन लीजिए, थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर दीजिए और इसको इस तरह से स्टिक कर दीजिए। तो ये बहुत ही इजीली जो है स्टिक हो जाता है। ओके, तो अभी हम लेंगे ये वाला जो रेड कलर का पेपर है, इस रेड कलर के पेपर का छोटा सा पीस, एंड वी विल कट इट, एंड वी विल कट अ राउंड शेप, स्मॉल राउंड शेप, एंड स्टिक इट हियर। ओके, आई होप आप लोग का इतना हो गया होगा। अब हम बनाएंगे हमारे सेंटा की आंखें। तो आंखों के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी ब्लैक कलर का स्केच पेन, आप लोग स्केच पेन यूज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसकी जो है हमारे सेंटा की आंखें बनाई हैं, और यहाँ पे इनका मुंह। ओके, और जैसे हमने ये मुंह बनाया है, हमें इस मुंह के ऊपर भी इसको इस तरह से, वेट अ मिनट, इस तरह से छोटा सा एक पीस लेके ऐसे करके इनके नोज के जस्ट नीचे स्टिक करना है, क्योंकि ये उनकी क्या है, मूछें हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। के बाद हम कुछ इस तरह के बटन्स, अगर आप लोग के पास हैं तो आप लोग बटन्स स्टिक कर सकते हैं इस तरह से। तो मेरे पास कुछ इस तरह के स्पार्कल्स हैं जिससे मैं इनके बटन्स बना रही हूँ, कि ड्रेस के बटन्स हैं ये। आप लोग वाइट कलर के पेपर को भी कट करके भी ऐसे चिपका सकते हैं, राइट, यू कैन सी एंड टेक सम cotton and round it and stick here. Okay, here it is done. तो हमारे जो Santa हैं वो basically ready हो चुके हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे cute से Santa कितने cute लग रहे हैं ना, बहुत ही cute है। तो हम सेंटा को रख देते हैं एक साइड में, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं हमारे स्नोमैन को। ओके, तो मजा आया आप लोगों को सेंटा बना के, राइट।
बहुत मजा आया। आई नो, आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो इसी तरह से हम और भी मजेदार चीजें बनाएंगे हमारी अगली क्लासेस में भी। तो अभी तो हम लोग बनाने वाले हैं हमारे किसको, स्नोमैन को, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो ये है, इसमें हमें यहाँ पर चिपकाना है एक स्टिक, ठीक है। तो एक पूरा स्टिक नहीं चिपकाएंगे हम, इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे, जस्ट यहाँ से आपको इस तरह से कट करना है और इसे जस्ट राइट देयर हमें यहाँ पे स्टिक करना है, जस्ट थोड़ा तिरछा, ओके। तो कुछ इस तरह से हमें इसको स्टिक करना है एंड वी नीड ब्लैक कलर। तो हमें इनकी जो टोपी है स्नोमैन की, इसे कलर करने के लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर, ओके। तो इस तरह से हम इसे थोड़ी देर से चिपकाते हैं, पहले इसको कलर कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है ब्लैक कलर का बन चुका है एंड इसे हमें जस्ट यहाँ पे स्टिक कर देना। थोड़ा टाइम लगता है इसको स्टिक होने में। तो क्रिसमस पे जो है बहुत सारा बर्फ गिरता है, क्योंकि वो टाइम ही होता है बर्फ वाला, क्योंकि अभी बहुत सारा ठंड है। जैसे मैंने देखो स्वेटर पहना हुआ है, बाहर बहुत ठंड है और इस टाइम पे बहुत सारी जगहों पे बर्फ गिरती है, और जहां पर भी बर्फ गिरती है वहां पर लोग स्नोमैन बनाते हैं आइस से, है ना, स्नोमैन। तो स्नो से बनाया जाता है स्नोमैन। तो इस तरह से हम तो आज पॉप स्टिक से ही बना रहे हैं। तो ये आपने देखा किस तरह से ये हमने स्टिक किया, और अभी हम स्टिक करेंगे स्नोमैन का स्कार्फ, क्योंकि बहुत ठंड है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो उसका स्कार्फ बनाने के लिए हम लेंगे रेड कलर का पेपर अगेन, और रेड कलर के पेपर से हम एक छोटा सा स्ट्रिप लंबा सा कट कर लेंगे इस तरह से, ऐसे एंड अगेन ऐसे एंड फिर इन स्टिक को इस तरह से यहाँ पे हमें जो है स्टिक करना है। बट ये थोड़ा बड़ा है, हमें जस्ट इतना साइज का चाहिए, राइट, इतना। तो इसको ऐसे कट कर दीजिए और एक साइड पे, इसके एक साइड पे इस तरह से लंबा कट कर देंगे, राइट, जस्ट कट लाइक दिस। And now we will stick this paper just here with the help of glue. Okay, one is here and one is just here. And now we need a orange color का paper
ऑरेंज केक का लगा पेपर, इसलिए क्योंकि मोस्टली स्नोमैन की जो नोज होती है ना उसको कैरोट से बनाया जाता है, राइट? तो ये जो है वही कैरोट है, तो हम इसे भी जस्ट यहाँ पर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। Nicely done. And अब हमें बनाना है हमारे स्नोमैन की आंखें, इसका मुंह और सम बटन्स। तो आंखों के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो आईबॉल्स ड्रॉ करेंगे एंड इसके बाद मुंह के लिए हम इसी तरह से कुछ डॉट 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 बनाते हुए एक स्माइल ड्रॉ करेंगे एंड देन बीच में यहां पे हम इसके कुछ बटन्स ड्रॉ करेंगे, राइट? एंड द लास्ट काम ये है कि हमें कोई भी इस तरह का पेपर लेना है और इस तरह से जो है हमें पतली पतली स्ट्रिप काटनी है, क्योंकि हमें इन ऑर्नामेंट्स को किसी चीज की हेल्प से हैंग भी तो करना है ना, तो हमें अभी हैंग करने वाला जो चीज है वो हम बनाएंगे। तो इस तरह से दो स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे कट किया है। ओके, तो पहले तो आप लोग ये ड्रॉ कर लीजिए, इतना बना लीजिए, इतना स्टिक कर लीजिए एंड देन आई विल टेल यू कि किस तरह से, आई विल शो यू कि किस तरह से हम जो है आगे इसकी इसको हैंग करने के लिए किस तरह से इसको बनाने वाले हैं, ठीक है? हम लोग वैसे तो थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज थ्रेड ऑल्सो, बट वेरी इजीली हम लोग इसको स्टिक्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो है इन ऑर्नामेंट्स को हैंग करने जैसा बनाएंगे। ओके, तो हमें ये करना है कि हमें लेना है इस तरह की पतली पतली स्ट्रिप। फटाफट से आप लोग भी इसको कट कर लीजिए, जस्ट लाइक दिस, एंड इसको हम अब थोड़ा उल्टा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा ग्लू इस जगह पे और थोड़ा इस जगह पे इस तरह से ग्लू लगाऊंगी, थोड़ा सा आगे भी और ये जो है स्ट्रिप को कुछ इस तरह से ऐसे करके लगा दूंगी। ओके, थोड़ा सा प्रेस करके रखने की जरूरत है क्योंकि वरना ये छूट जाएगा, सो वी नीड लिटिल पेशेंस। एंड मेरे हाथ में कलर्स हैं तो ये देखिए, तो हैंड को अच्छे से वॉश कर लीजिए फिर ही आप इस तरह से, एंड नाउ यू कैन सी कि ये कितना क्यूटली बन गया है और अब हम इसको इजीली हैंग कर सकते हैं, राइट? तो इसको भी मैं इसी तरह से स्ट्रिप की हेल्प से बना देती हूँ, तो इसको भी इस तरह से हम उल्टा करेंगे एंड अगेन यू नीड सम ग्लू हेयर एंड हेयर, एंड स्ट्रिप से हम कुछ इस तरह से इसको जस्ट लिटिल बिट। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको थोड़ी देर पकड़ के रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिक होने में टाइम लगेगा, राइट? तो थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे हम,
जब भी मैं सेंटा को देखती हूँ तो मुझे एक सॉन्ग याद आता है, जिंगल बेल जिंगल बेल, है ना? तो किसी किसे ये सॉन्ग आता है अच्छे से वो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। तो ये देखिए, ये जो है हमारी आज की क्यूट सी जो ऑर्नामेंट है, क्यूट क्यूट से जो ऑर्नामेंट्स हैं वो रेडी हैं, और कितना क्यूट हमारा जो सेंटा है वो लग रहा है, और बहुत ही क्यूट हमारा जो स्नोमैन है वो भी बहुत क्यूट लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी ये जो हमारे सेंटा है और हमारे जो स्नोमैन है ये आप लोगों को भी बहुत ही क्यूट लग रहे होंगे, और आप लोगों ने आई होप बहुत ही अच्छे से बनाया होगा, मुझसे भी अच्छा बनाया होगा, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो भी बनाया है उससे आप लोगों को शेयर करना है फंडू क्लास की इंस्टा और फेसबुक आईडी पर, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब भी आप लोग शेयर करते हैं, मैं देखती हूँ आप लोगों के जो वर्क को वो देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने जो सिखाया है वो अपने इतने अच्छे से सीखा है। ओके, और आप लोग कोई भी आप लोगों को क्वेरीज हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं बाद में भी आप लोगों के कमेंट्स चेक करती हूँ और उनके रिप्लाइज देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट? एंड वन मोर थिंग कि आप लोग जो भी अभी आज की क्लास में जिन्होंने भी मिस किया है, आज का सेशन लाइव सेशन मिस किया है, वो लोग इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं इसके यूट्यूब चैनल पे, हमारे फंडू क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो डले हुए हैं और बहुत ही मतलब आपके लिए ही हैं, आपके काम के हैं, तो आप लोग उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्राफ्ट है वो यहीं पे जो है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्राफ्ट में हम लोग फिर से नई नई एक्साइटिंग से क्राफ्ट के साथ मिलेंगे, कुछ नई चीज़ों के साथ फिर से इंटरेक्ट होंगे। तो तब तक के लिए कहिए अपने टीचर को बाय बाय, से बाय 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 ऑल। एंड बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा रहा है। ओके, बाय बाय।